वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब इन्फो मीडियम। आज के इस लेक्चर में हम रीट, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट आदि के प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए शंकुरूपी जड़ें, ऑप्शन नंबर बी ग्रंथिका जड़ें, ऑप्शन नंबर सी गांठदार जड़ें, ऑप्शन नंबर डी चूस की जड़ें। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रंथिका जड़ें। ग्रंथिका जड़ों की बात करें तो ग्रंथिका जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसमें कुछ जैव रासायनिक संगठक भी पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजिनस एंजाइम एवं लैग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन। इंसुलिन इनमें से क्या कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए रुधिर शर्करा को बढ़ाता है, रुधिर शर्करा को घटाता है, रुधिर नलिकाओं को संकुचित करता है या स्तन स्त्रवण को उत्पोषित करता है। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रुधिर शर्करा को घटाता है। अग्न्याशय। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्लैंड है। अग्न्याशय से ही इंसुलिन हार्मोन स्रवित होता है। अग्न्याशय में जो बीटा कोशिका पाई जाती हैं उनसे इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है? ऑप्शन नंबर ए मादा के शरीर में, बी मादा के शरीर से बाहर, सी नर के शरीर में, डी नर के शरीर से बाहर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मादा के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विब्रियो कॉलेरी, बी बैसिलस, सी इस्चरिचिया कोलाई, डी जेंथोमोनास। आंसर है सी इस्चरिचिया कोलाई। इसकी आकृति छड़ के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, सी तेल की श्यानता अधिक होती है, डी जल की श्यानता अधिक होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने से तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की? ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है, डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का दूसरा नियम बताता है कि? ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण हमेशा परावर्तन के कोण से कम होता है, बी आपतन कोण हमेशा परावर्तन के कोण से अधिक होता है, सी आपतन कोण हमेशा परावर्तन के कोण के बराबर होता है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण हमेशा परावर्तन के कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक अपररूप, बी प्राकृतिक बहुलक, सी कृत्रिम बहुलक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिक बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा है? ऑप्शन नंबर ए उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी तारा, ऑप्शन नंबर डी धूमकेतु। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल के प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूसला मूल, ऑप्शन नंबर बी झकड़ा मूल, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। मूसला मूल की बात करें तो मूसला मूल का निर्माण मूलांकुर से होता है। इसकी संरचना बाल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए बाह्य दल, ऑप्शन नंबर बी दल, ऑप्शन नंबर सी जनन भाग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपका इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगर हम पुष्प के भाग की बात करें तो बाह्य दल और दल पुष्प के सहायक भाग होते हैं जबकि जनन भाग पुष्प का आवश्यक भाग होता है। जनन भाग की बात करें तो इनमें एंड्रोसियम तथा गायनोसियम पाए जाते हैं। एंड्रोसियम को नर जनन भाग कहते हैं जबकि गायनोसियम को मादा जनन भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, कौमावर्तिकाग्र, कौमावर्तिका एवं पुष्पासन, ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र, कौमावर्तिका, कौमा अंडाशय एवं पुष्पासन।
ऑप्शन नंबर सी अंडाशय कौमा वर्तिका कौमा पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी वर्तिकाग्र कौमा वर्तिका कौमा अंडाशय एवं पुष्पासन। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गाजर, ऑप्शन नंबर बी मूली, ऑप्शन नंबर सी आलू, ऑप्शन नंबर डी सलजम। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आलू। आलू जो है तना है, जबकि गाजर मूली सलजम जड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी एड्स, ऑप्शन नंबर डी हैजा। आपका इसका आंसर है मलेरिया। मलेरिया लोग मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता? ऑप्शन नंबर ए लैंगिक संसर्ग, ऑप्शन नंबर बी गले मिलना, ऑप्शन नंबर सी स्तनपान, ऑप्शन नंबर डी रक्तदान। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गले मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जल वाष्प, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर फोर ओजोन। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट को खुले में फेंक देने से होता है? ऑप्शन नंबर ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपका इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अपशिष्ट को जब खुले में फेंक देते हैं तो मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जलीय प्राणियों का अनुकूलन है? ऑप्शन नंबर ए गलफड़े का पाया जाना, ऑप्शन नंबर बी शरीर पर सलकों की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी अंडे देना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गलफड़े का पाया जाना। जलीय प्राणियों में गलफड़े पाए जाते हैं, अतः जो मछली होती है मछली श्वसन गलफड़ों द्वारा ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी खमीर। अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु की खोज की थी आपकी एंटोनी वॉन ल्यूवेन।